नमस्कार दोस्तों, ये जो फ़ोन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फ़ोन हमारा रेडमी का 7A मोबाइल है दोस्तों। इस फ़ोन में आप देखेंगे कॉम्बो की प्रॉब्लम है दोस्तों। फ़ोन हमने स्विच ऑफ कर दिया है, इसके बाद आपको हम दिखाएंगे। इस फ़ोन में स्क्रीन देखने में सही है, लेकिन इसकी जो कैम्बो है लाइन कैम्बो पर है, आप देख पा रहे हैं इसमें फ़ोन में लाइनिंग दिख रही होगी। आपको हम दिखाएंगे नज़दीक से, इस फ़ोन में लाइनिंग है, आप देख रहे हैं ब्लैक सी लाइनिंग बीच में दोस्तों। इस फ़ोन को हम कॉम्बो रिप्लेस करके दिखाएंगे, तो वीडियो स्किप ना करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। फ़ोन को हम पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों इसका बैक कवर निकाल देना है, और इसका बैक कवर निकालने के बाद इसके में कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू हमें ओपन कर देना है दोस्तों। इसके स्क्रू निकाल दिए, और इसका ये जो टच का पंच है इसको निकाल देंगे दोस्तों। एक बार इसमें टच पड़ चुकी है, इस वजह से इसकी टच और डिस्प्ले अलग अलग है दोस्तों। डिस्प्ले पे लाइन है, इस वजह से इसका कैम्बो चेंज करना पड़ रहा है दोस्तों। ये पीसीबी निकाल देते हैं, और ये जो यहाँ से धक्का देकर निकाल देना है टच और डिस्प्ले को दोस्तों। इसकी टच और डिस्प्ले अलग अलग इसमें पड़ी हुई है, आप देखेंगे ये हमारी रही टच और ये डिस्प्ले दोस्तों। डिस्प्ले पे लाइनिंग, इस वजह से हमें कैम्बो ही लगाना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये रहा हमारा नया कैम्बो दोस्तों, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको गम लगा के अच्छे तरीके से चिपकाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, टच का जो पंच है अच्छे तरीके से लगाना होगा, क्योंकि यहीं पर पंच होगा। ये हमने दोस्तों इसका टच का पंच लगा दिया, और ये हमने LCD का पंच लगा दिया मदरबोर्ड में। और एक बार पावर ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों, पावर ऑन हो चुका है, आप देखेंगे दोस्तों। एक से एक अच्छी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। एक बार देख पा रहे हैं हमारा कैम्बो अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। दोस्तों एकदम सही से हमारा टच और डिस्प्ले अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। हमने चेक कर लिया, इसके बाद हम इसको एम्बो को निकालेंगे, और गम लगा के अच्छे तरीके से चिपकाएंगे दोस्तों। फ़ोन को पावर ऑफ कर दे रहे हैं दोस्तों, हमने फ़ोन पावर ऑफ कर दिया है, और ये पंच निकाल करके इसको हम कैम्बो के चारों साइडें हमें अच्छे तरीके से साफ़ करनी है दोस्तों। ये हमें साइडें अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद दोस्तों, इसमें गम लगा करके अच्छे तरीके से हमें कॉम्बो को लगा देना है दोस्तों। ये हमारा गम रहा दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि अगर इसमें कम गम रहेगा तो ये कॉम्बो उखड़ भी सकता है दोस्तों। अच्छे तरीके से हमने गम लगा करके और बड़े आसानी से इसको लगा दे रहे हैं दोस्तों। कैम्बो हमने लगा दिया है, और ये हम इस पंच को अच्छे तरीके से पंच कर देंगे, और ये जो हमारा टच का पंच है इसको भी लगा दे रहे हैं, और ये सारे स्क्रूस में लगा देने हैं दोस्तों। इसमें एक गेटस लगानी है, लेकिन सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। हमने इसका बैक पैनल लगा दिया है, एक बार हम पावर ऑन करके देख लेंगे। पहले इसमें रबड़ लगा देते हैं, अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देना है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से लगा देंगे तो कहीं पे एयर नहीं रुकेगी दोस्तों, कैम्बो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा दोस्तों। आज के वीडियो हमने आपको दिखाया रेडमी 7A में कैम्बो कैसे लगाते हैं दोस्तों। हमारा कैम्बो कम्प्लीट है, नमस्कार।